राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज छात्र संघ शपथ ग्रहण और कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता मदन सिंह चौहान ने कॉलेज में पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग शिला पट्टिका का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मदन सिंह चौहान ने कॉलेज में आरओ और वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इससे पहले आज उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर भाजपा नेता मदन सिंह चौहान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री गुंजन जाला और भाजपा जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह चौहान की छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर आगवानी की। इसके बाद मंच पर अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में अतिथियों ने कॉलेज में बोरिंग की शिला पट्टिका का अनावरण किया। परिषद के प्रांत मंत्री गुंजन जाला के नव निर्वाचित अध्यक्ष किरण चौहान और पदाधिकारियों को समारोह में शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष किरण चौहान के दिव्यांग पति भी समारोह में मौजूद रहे, जिनका भी अतिथियों ने माला अर्पण कर और इकलाई ओढ़ा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता भीम सिंह चौहान ने कॉलेज में छात्राओं के लिए गार्डन बनाने की घोषणा की। राजकीय कन्या महाविद्यालय का ABBB का उद्घाटन था, इसमें मैं शामिल हुआ। 3 साल पहले बताया था कि यहाँ पानी की समस्या है, तो मैंने उसी टाइम उनको ट्यूबवेल करवा दी। पानी की टंकी की जरूरत पड़ी थी, इन्होंने पानी की टंकी के लिए भी कहा। मैंने कहा ये भी हो जाएगा, और बहुत सारी समस्या हैं यहाँ। तो बता रहे हैं कि वाटर कूलर नहीं है, आरओ नहीं है, तो वो भी मैंने आज कह दिया उनको कि वाटर कूलर भी मैं लगवा दूंगा और आरओ भी लगवा दूंगा। और हमारे साथ भीम सिंह जी थे, तो भीम सिंह जी ने कहा कि यहाँ गार्डन बनाना है, तो गार्डन तो भीम सिंह जी ने कह दिया मैं बना दूंगा। और दूसरी इनके इलेक्ट्रिसिटी की बिल भी ज़्यादा आ रहा है, सोलर की ज़रूरत थी, तो ये मैं दिव्या कुमारी जी से सांसद से बात करूँगा। इनका भी मेरे को विश्वास है कि दिव्या कुमारी जी भी ये काम जरूर करवाएंगे। आज हम यहाँ पर नाथद्वारा में कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण में आए, और यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष बहन किरण राठौर जी ने हमें आमंत्रण दिया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उससे वो चुनाव का टिकट लेकर जीती हैं। इसलिए मैं ABBP के प्रतिनिधित्व के कारण मुझे यहाँ बुलाया गया, और सभी बहनों का उत्साह बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। और आज के कार्यक्रम में जो बहनें हमारी उपस्थित थी, हमने उन्हें पूरा समझाने की और हमारी भारतीय संस्कृति में रहने की और बहनों को किस प्रकार इस समाज में सशक्त होने की आवश्यकता है, इसके लिए मैंने उन्हें बात कही।